हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द लास्ट क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमन हर्ट. आपको पढ़ाया गया था ह्यूमन हर्ट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में. तो आज हम उसकी वर्किंग, उसके फंक्शंस, उन बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हर्ट. अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ तो आप लोगों का यही रिस्पॉन्स आएगा दैट हर्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, जिसका काम है ब्लड को पंप करना. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ द हर्ट पम्प्स ब्लड, तो आप कहेंगे हर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हर्ट कॉजेज द पम्पिंग ऑफ ब्लड. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हर्ट बीट. हर्ट बीट का मतलब क्या है? हर्ट बीट का मतलब है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हर्ट, क्योंकि इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हर्ट बीट अराइज होती है. हमें पढ़ना है कि ये हर्ट बीट कैसे आई, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं वो हुआ कैसे, उसका सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ दैट हर्ट बीट इट इज़ जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हर्ट. और हर्ट बीट दो टाइप की हो सकती है, डिपेंड करता है किस टाइप का हर्ट है. तो ये दो टाइप की होती है, वन इज़ न्यूरोजेनिक एंड अनदर इज़ मायोजेनिक. आप इनके नाम से इसका मीनिंग है न्यूरोजेनिक. न्यूरो, यहाँ पर वर्ड है न्यूरो. न्यूरो वर्ड जो यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर नर्व सेल्स. इसीलिए कहा गया कि ये ऐसा हर्ट है जिसकी हर्ट बीट के जो सिग्नल ओरिजिनेट हुए हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम अ नर्व इम्पल्स दैट अराइज फ्रॉम मास ऑफ नर्व सेल्स. एक्चुअली कुछ नर्व सेल्स हैं, यानी कुछ न्यूरोन्स हैं विच आर लोकेटेड नियर योर हर्ट, और उस हर्ट के पास में जो नर्व सेल्स है उन्हीं से नर्व इम्पल्स आएगी जिसकी वजह से हर्ट बीट स्टार्ट होगी, यानी कि हर्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा. इस टाइप का जो हर्ट पाया जाता है वो पाया जाता है कुछ एनालिट्स में और मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स में, उनका हर्ट न्यूरोजेनिक है. जबकि अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, दैट इज़ मायोजेनिक, यहाँ पर वर्ड है मायो, और मायो वर्ड यूज़ किया जाता है मसल्स के लिए. तो बिल्कुल ऐसा ही है इसके अंदर. मायोजेनिक हर्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो सिग्नल ओरिजिनेट होंगे वो मसल्स से ओरिजिनेट होंगे. और मसल्स कौन सी, हर्ट की ही कुछ मसल सेल्स, दे आर मॉडिफाइड, और वो मॉडिफाई होके सिग्नल ओरिजिनेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के, उसे कहते हैं मायोजेनिक हर्ट. और इस टाइप का हर्ट आपका मॉलिस्कास एंड वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, और हम वर्टिब्रेट्स के पार्ट हैं, यानी ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट. तो ह्यूमन हर्ट इज मायोजेनिक, मीन्स ह्यूमन हर्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के सिग्नल हैं दैट अराइज फ्रॉम सम स्पेशल मसल्स विच आर लोकेटेड इनसाइड द हर्ट. तो अब हम बात करेंगे उन मसल्स की कि किस तरीके से सिग्नल ओरिजिनेट हुए. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हर्ट. तो सबसे पहले कहाँ से वो सिग्नल ओरिजिनेट होता है और कैसे ये हर्ट अपनी वर्किंग करता है. तो हम बात करें इस चैम्बर की, दिस चैम्बर इज़ द राइट आर्ट्रियम. इस राइट आर्ट्रियम चैम्बर की हम बात करते हैं, इस चैम्बर के अपर मोस्ट कॉर्नर में कुछ सेल्स मॉडिफाई हो रखे हैं, और वो सेल्स कहलाते हैं आपके एस ए नोड. ऐसे नोड की हम बात करें, ऐसे नोड क्या चीज़ है? एस ए नोड का मतलब है साइनो आर्ट्रियल नोड. जैसा कि मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई, साइनो आर्ट्रियल नोड इज़ लोकेटेड ऑन द अपर मोस्ट चैम्बर ऑफ द राइट आर्ट्रियम. इस नोड को पेसमेकर ऑफ हर्ट भी बोला जाता है. इसको पेसमेकर ऑफ हर्ट बोलने का रीज़न है क्योंकि जो सिग्नल है कॉन्ट्रैक्शन के वो ऐसे नोड से ओरिजिनेट होते हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है, इसीलिए इसको पेसमेकर ऑफ हर्ट बोला जाता है. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि हर्ट को मायोजेनिक क्यों कहा, या मायोजेनिक होने के पीछे रीज़न क्या है, पेसमेकर कौन है, उसका क्या काम है. तो ऐसे नोड इज़ द पेसमेकर ऑफ हर्ट बिकॉज इट जनरेट द सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रियम. ये दोनों आर्ट्रियम जो कि आपके ऊपर से ब्लड आ गया है, और ब्लड आपको कल पढ़ाया गया था कि राइट आर्ट्रियम में जो ब्लड आ रहा है आपका वेना केवा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, एज वेल एज कॉरोनरी साइनस से आया है, और आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आया है वो आया है पल्मोनरी वेन से. दोनों के दोनों आर्ट्रियम में ब्लड आया, और ब्लड आने के बाद ऐसे नोड ने सिग्नल ओरिजिनेट किया जिसकी वजह से दोनों आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे. बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन होती हैं, जिस वजह से जो ब्लड है वो यहाँ से आपका वेंट्रिकल्स में पहुँच जाता है.
अब ब्लड पहुंच चुका है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स का नंबर है अब कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। जैसा कि आप देख सकते हैं साइज में वेंट्रिकल्स लार्जर होते हैं। अब बारी है वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहीं पर इस राइट आट्रियम के लोअर कॉर्नर पे एक और मास है कुछ टिश्यूज का, जिनको कहा जाता है ए वी नोड। ए वी नोड का मतलब होता है आर्ट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड। ए वी नोड दैट मीन्स आर्ट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड। दिस ए वी नोड इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द राइट आर्ट्रियम बट ऑन द लोअर मोस्ट कॉर्नर। और यहाँ से इस ए वी नोड से कुछ और फाइबर्स अराइज होते हैं जो आपके कहलाते हैं बंडल ऑफ हिस। इनको हम कहेंगे दीज आर बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं ये फर्दर लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिस में। ये लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिस आपके पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाते हैं, राइट वाला राइट में एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट में। इसके अलावा इनसे फर्दर कुछ ब्रांचिंग निकलती है, कुछ फाइबर्स की ब्रांचिंग निकलती है इनसे, जिन ब्रांचिंग को हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये इनकी लोकेशन है और यही सारे के सारे वर्किंग में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हमने कहा एसए नोड, ऐसे नोड से सिग्नल आया, दोनों आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से आर्ट्रियम का ब्लड निकल के वेंट्रिकल्स में आ गया। अब वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो ऐसे नोड ने अपना सिग्नल भी एवी नोड को पास कर दिया और एवी नोड ने अपना सिग्नल, ऐसे नोड ने सिग्नल एवी नोड को पास किया और एवी नोड अपना सिग्नल पास करेगी बंडल ऑफ हिस को और बंडल ऑफ हिस फर्दर पास करेगा पुरकिंजी फाइबर्स को। पुरकिंजी फाइबर्स को ये सिग्नल पास करेगा। जब ये सिग्नल्स का पास चलेगा इसकी वजह से दोनों जो वेंट्रिकल्स है आपके दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से पास आउट होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की है, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि ब्लड वापस से आट्रियम में चला जाए, इसीलिए इस जगह पर आपकी ये जो वॉल्स हैं दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल बिटवीन द राइट आट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल एंड द बाइकस्पिड वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड लेफ्ट आट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों वॉल्स बंद हो जाएंगे, सडन इनका क्लोजर होगा। इस वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं इनका ब्लड पास होके निकल जाएगा इनटू द एओटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी, इनमें ब्लड पास होगा। उसके बाद आपके दोनों वेंट्रिकल्स खाली होने के बाद दे विल गेट रिलैक्स और रिलैक्स होने के बाद इनकी जो सेमिलूनर वॉल है वो दोनों सेमिलूनर वॉल इट विल गेट क्लोज्ड। सो दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सिग्नल्स आर ओरिजिनेटेड इन योर हर्ट एंड द हर्ट गेट फंक्शन। तो ये है मायोजेनिक हर्ट, एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी फाइबर्स। एसए नोड को पेसमेकर कहा, इसी तरीके से एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है। पेस सेटर है ये सिग्नल वेंट्रिकल्स के लिए, इसने आट्रियम के लिए और इसने वेंट्रिकल्स के लिए। पर ये ध्यान रखा जाए कि स्टार्ट जो सिग्नल किया वो ऐसे नहीं किया और एवी के पास भी जो सिग्नल गया वो ऐसे का गया, यानी कि एवी खुद से कोई सिग्नल ओरिजिनेट नहीं करती, वो सिर्फ ऐसे नोड के आए हुए सिग्नल्स को आगे पास करते हैं। इसीलिए जो हर्ट की वर्किंग है वो मेनली डिपेंड करती है ऐसे नोड पर, और जिनका ये फंक्शनिंग करना बंद कर देता है उनको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है सर्जरी के थ्रू। इस तरीके से आपका हर्ट काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट कार्डियक साइकिल। ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल भी वही है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम टाइम पीरियड की बात करेंगे कि कौन कौन से फेजेस इसने फॉलो किए। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, वन इज आर्ट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में आपका पूरा हर्ट रिलैक्स्ड है, आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन और ब्लड जो है वो आके दोनों आट्रियम्स में आपका फिल हुआ था, दोनों आट्रियम में फिल हुआ। देन द बोथ द आट्रियम्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड और जब दोनों आट्रियम आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए उस चीज़ को हमने कहा आर्ट्रियल सिस्टोल। यानी अगर पूछा जाए आर्ट्रियल सिस्टोल
क्या है और कैसे हुआ. तो आर्ट्रियल सिस्टोल मीन्स द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आर्ट्रियम विच इज ओरिजिनेटेड बाय द सिग्नल्स फ्रॉम द SA नोड एंड इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू कॉन्ट्रैक्ट बोथ द आर्ट्रियम. अब बात करते हैं दोनों से वेंट्रिकल में सिग्नल आया. अब वेंट्रिकल्स जो हैं आपके ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल्स के पास AV नोड के पास सिग्नल आ चुका है बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी फाइबर्स के पास. तो बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर्स आपके इस वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करेंगे और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होगी ब्लड आपका आगे निकल जाएगा हर्ट से बाहर निकल जाएगा. इस चीज़ को कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल क्योंकि वेंट्रिकल साइज में लार्जर है इसीलिए इसको टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा 0.3 जबकि इसको लगा था 0.1 सेकेंड. जैसे ही सारा ब्लड पंप होगा फिर बात करेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल की. जैसे ही ब्लड बाहर पंप होगा आपके दोनों ये जो वॉल्स हैं सेमिलूनर वॉल्स दे विल गेट क्लोज आपका हार्ट रिलैक्स होगा आपके आर्ट्रियम रिलैक्स्ड हैं वेंट्रिकल रिलैक्स है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड फिर से ओपन होगी. इस चीज़ को कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल. इट विल टेक 0.4 सेकेंड. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक हार्ट को ब्लड आने से और वापस खाली होने में इट टेक 0.8 सेकेंड. तो 0.8 सेकेंड में आपका हार्ट कंप्लीट एक बार का ब्लड पंप करता है. दिस इज योर कार्डियक साइकिल. अब हम बात करते हैं अबाउट अब हमें बात करनी है कि किस तरीके से कितना आउटपुट निकला कौन कौन सी हार्ट साउंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. हमने बात की अभी तक जो फंक्शनिंग हो रही है वो कैसे हो रही है. अब हम बात करेंगे अबाउट हर्ट साउंड्स. तो जैसा कि आप सभी लोगों ने हर्ट साउंड के बारे में सुना हुआ होगा हम बात करें हर्ट साउंड की. हर्ट साउंड तो हर्ट साउंड आपकी सुनी जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप की मदद से हर्ट साउंड का पता लगाया जाता है. हर्ट साउंड कौन कौन सी होती है उसकी बात करते हैं. तो दो हर्ट साउंड्स होती हैं वन इज लब अनदर इज डब. तो हमारा हर्ट दो टाइप के साउंड कर रहा है लब डब. तो ये क्या साउंड्स हैं और ये कब ओरिजिनेट हुई किस तरीके से ये साउंड्स निकलती हैं. मैंने आपको ये हर्ट पढ़ाया उस टाइम मैंने आपको बताया कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से डर है कि ब्लड वापस आट्रियम में ना चला जाए और इस बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्स क्लोज हुई थी. इन दोनों के क्लोजर की वजह से आवाज़ आई दैट इज़ द फर्स्ट हर्ड साउंड दैट इज लव. तो लव जो साउंड आई है इट इज़ ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड जिसको आपको बताया गया था कि इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं एंड ट्राइकस्पिड. बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के सडन क्लोजर से जो हर्ट साउंड आती है वो आती है लब. इसको साउंड को आपका 0.15 सेकंड्स का टाइम लगता है यानी कि ये साउंड का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है. इट इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इट इज़ ऑफ लो पिच. पिच इसकी लो है जबकि दूसरे साउंड की बात करें दैट इज डब. अब डब साउंड का भाई जैसे ही ब्लड बाहर निकला और पूरा ब्लड बाहर निकलने के बाद वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स होने लगते हैं वापस ब्लड ना आए इसीलिए आपकी दोनों सेमिलूनर वॉल्स क्लोज हो जाती हैं. अगेन द क्लोजर ऑफ द वॉल्स बट इस टाइम जो वॉल्स हैं आपकी वो सेमिलूनर है नॉट द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड. तो जो क्लोजर है आपका क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्स. सो सेमिलूनर वॉल के क्लोजर की वजह से सेकेंड हर्ट साउंड आती है दैट हर्ट साउंड इज नोन एज डब. ये वाली हर्ट साउंड इससे कम ड्यूरेशन की है. इट टेक्स 0.15 सेकेंड वेयर एज इट टेक्स ओनली 0.1 सेकेंड. इसका ड्यूरेशन इसीलिए हम कहेंगे इट इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट इट हैज हाई पिच. पिच इसकी ज्यादा है. तो दिस इज हर्ट साउंड. द नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द कार्डियक आउटपुट. अब बात करेंगे हम कार्डियक आउटपुट की. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं तो हम जानना चाह रहे हैं कि जब भी हर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया तो कितना ब्लड हर्ट में से निकला.
तो सबसे पहले एक बीट में या एक साइकिल में, एक साइकिल का मतलब है एक बार हर्ट का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो एक साइकिल में कितना ब्लड पंप होता है? एक साइकिल में होता है 70 ml ब्लड पंप. 70 ml ब्लड इज पंप्ड बाय आर हर्ट इन वन साइकिल. जबकि कितनी बार एक मिनट में हर्ट बीट हो रही है? वन मिनट में कितनी आपकी हर्ट बीट है? दैट इज एन एवरेज एक एडल्ट की, एक हेल्दी ह्यूमन की 72 टाइम्स होती है. तो वन मिनट में 72 टाइम्स हर्ट बीट करता है. तो अब हम बात करते हैं, इससे हम सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकते हैं अबाउट द कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट का मतलब है द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हर्ट पर मिनट. एक मिनट में आपके हर्ट ने कितने ब्लड को पंप किया, इस चीज़ को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट. तो आपका एक मिनट का निकालने का बहुत आसान तरीका है, एक मिनट में 72 टाइम्स हर्ट ने बीट किया और हर बार बीट करने पर 70 ml ब्लड को पंप किया. तो इससे आपकी कैलकुलेशन निकल के आती है 5040 ml, यानी 5040 ml. दैट कैन बी सेड नियरली इक्वल्स टू 5 liters ऑफ ब्लड. मीन्स आर हर्ट पम्प्स 5 liters ऑफ ब्लड पर मिनट, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन आर बॉडी. सो द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हर्ट पर मिनट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन अ पर्सन्स बॉडी. दिस इज कार्डियक आउटपुट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डबल सर्कुलेशन. ये टॉपिक आपका बहुत कॉमन है और आप लोग इसको बहुत टाइम से पढ़ते हुए आए. नाउ योर टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन क्या है और इस सर्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसकी बात करेंगे. सो डबल सर्कुलेशन हम एक बहुत सिंपल से डायग्राम से समझेंगे. तो आपको पता है आपके लंग्स, इसका इंपॉर्टेंट रोल है. आपके हर्ट का इंपॉर्टेंट रोल है. हर्ट के लिए हम 4 चैम्बर्स बना लेते हैं. जैसा कि आपको पता है हर्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. सो दीज आर द 4 चैम्बर्स ऑफ हर्ट. दिस चैम्बर इज द लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. सो इस तरीके से हम बात करेंगे और हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी बॉडी की कैपिलरीज की. कैपिलरीज जो आपकी बॉडी में ब्लड लेके जाती है, हम इनकी बात करेंगे. ये कुछ कैपिलरीज हैं जो फर्दर बॉडी में ब्लड लेके आते हैं. इनके बीच किस तरीके का सर्कुलेशन चलता है, उस सर्कुलेशन की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले आपको पता है लंग्स का क्या काम है. रेस्पिरेशन में आपके आने पढ़ा हुआ है कि लंग्स का काम है कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है, लंग्स उस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और उसके अंदर ऑक्सीजन डालने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ इज ट्रांसपोर्टेड, इट इज कैरीड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम. सो लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हर्ट ऑलवेज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है बाय द पल्मोनरी वेन. जैसा कि आपको कल बताया गया था कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है, यूजुअली जो वेन्स होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि पल्मोनरी वेन आप देख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है. नाउ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. एज ऑलरेडी टोल्ड, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट केम्स आउट फ्रॉम द एओर्टा एंड देन मूव्स टू द बॉडी थ्रू द कैपिलरीज. जब ये बॉडी के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपकी बॉडी के सेल्स यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन, और फूड के ब्रेकडाउन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो ब्लड में वापस चलती है. कार्बन डाइऑक्साइड के आने की वजह से जो ब्लड है आपका अब बन चुका है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
Now this deoxygenated blood again needs to be pumped. So it moves into the right atrium. It is carried into the right atrium by the vena cava, superior vena cava, inferior vena cava, as well as the coronary sinus. From the right atrium, it moves into the right ventricle. From the right ventricles, with the help of pulmonary artery, it is carried out, and this blood then goes into the lungs, where it is again get oxygenated. So pulmonary artery is again an exception of an artery which is carrying deoxygenated blood. Otherwise, all the arteries used to carry oxygenated blood. So, इस तरीके से होता है आपका डबल सर्कुलेशन. यहाँ पर आपके दोनों चैम्बर्स एक साथ काम करते हैं, यानी कि लंग्स से और बॉडी से एक साथ आपके दोनों आर्ट्रियम में ब्लड आता है, देन मूव्स इट टू द वेंट्रिकल, और दोनों वेंट्रिकल से एक साथ ब्लड आपका जाता है. इस टाइप का सर्कुलेशन को दो टाइप नाम दिए गए हैं. जो लंग्स के बीच हो रहा है, लंग्स और हर्ट के बीच जो सर्कुलेशन है, उसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी एक कॉमन वर्ड है जो हम यूजुअली लंग्स के लिए यूज करते हैं. तो व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन आपसे पूछा जाए, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द लंग्स एंड द हर्ट. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, और इस ब्लड को अगेन प्योरीफाई करता है बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. जबकि दूसरा जो सर्कुलेशन है बिटवीन योर हर्ट एंड योर बॉडी कैपिलरीज, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है, इसका काम है कि आपके हर एक पार्ट तक, बॉडी के हर पार्ट तक आपके ऑक्सीजन को पहुंचाना, और फूड के ब्रेकडाउन के बाद जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, उस CO2 को लेके आना. दिस इज द फंक्शन ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो ओवरऑल अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें, तो डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डबल सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोक रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुँच पाती है. ऑक्सीजन सफिशियंट पहुंचती है तो आपकी बॉडी उससे फूड का ब्रेकडाउन करती है, और फूड के ब्रेकडाउन की वजह से फिर आपके पास सफिशियंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे आप बॉडी के सारे फंक्शंस कर सकते हो. तो दिस यू हैव स्टडीड अबाउट हर्ट. हर्ट के बारे में आपको पढ़ाया गया, आपने सारे हर्ट के पार्ट पढ़े हैं, हर्ट की वर्किंग पढ़ी है, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ा है, कार्डियक आउटपुट आपको पढ़ाया गया है, आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ाया गया है, एंड कार्डियक साइकिल पढ़ाई गई. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.